बड़ी बहन के इस रोग का बहुत ही पुराना उपचार मुझे याद है, जो मेरी मम्मी के पियर में बहुत ही पुराने वैद्य थे ना, वो किया करते थे। तो बोल ना जलपा। गाय का गोबर। हाँ हाँ, गाय का गोबर। सॉरी सॉरी, यू डोंट नो, तो आई टेल यू, वैद्य उसे गौरस कहा करते थे। और हाँ, एक बार वो वैद्य ने मेरी बड़ी बहन के माथे पर वो गौरस लगाया था, और तब से मेरी बड़ी बहन को ये वाले दौरे कभी पड़े ही नहीं, है ना बड़ी बहन? खट्टू भाभी, वो लेप अगर हम बड़ी बहन को लगाएंगे ना, तो मेरी बड़ी बहन अपने पैरों पे यू खड़ी हो जाएगी, यू। जलपा, गोबर और उसका लेप भी माथे पे लगाएंगे? हाँ हाँ भाभी साहब, कोई दूसरा उपचार नहीं है? देखो, मुझे जो याद था मैंने बोल दिया, आगे आप लोगों की मर्जी। अबलपा भाभी कैसे हैं? पहले से ठीक है, और थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थैंक गॉड। सुनिए, हमें राजू भाई को फोन कर देना चाहिए ना, कि हमें देर होगी। हाँ, फोन करना तो चाहिए। मैं करती। रिंग जा रही है, उठा नहीं रहे। थोड़ी देर में फिर से ट्राई करते हैं। आप तब तक चल के आराम कर लीजिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं देखती। पता नहीं उस वृंदा ने तुझे कौन सी घुट्टी पिला दी है कि बार बार तू बस उसकी गोदी में ही बैठे जा रही है। एक्यूज़ मी बड़ी बहन। अगर आप लोगों के दिमाग में थोड़ी सी भी अक्कल भरी है, तो अक्कल से सोचो कि अगर आप वृंदा के साथ कुछ भी गड़बड़ करोगे, तो उसका सीधा असर हमारे लाडले मोहन के काम पर ही होगा ना। चुप। ये लो, दही शक्कर खा के अपने काम पे जाओगे ना, तो आपका काम बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन अल्पा भाभी को इस हालत में छोड़ के जाने को मन नहीं कर रहा। क्यों मोहन भाई, आपको अपनी इस पारुल भाभी पे भरोसा नहीं है? ये कैसी बातें कर रही है आप भाभी? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, आप अपने काम पे जाओ, और अगर नहीं जाओगे ना, तो अल्पा को भी बहुत दुख होगा। मारी तो समझ में नहीं आओ तो कि हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तुम अच्छे भले ऑफिस जा रहे थे, और अल्पा को ये दौरा पड़ गया। सच में मैं तो बहुत घबरा गई थी। अब आशा, तूने पापा को गुड लक नहीं बोला? गुड लक डैडी। थैंक यू बेटा। गुड लक वृंदा माँ। थैंक यू वृंदा, संभाल कर लेकर जाना। जी। अच्छा, लेकिन सनत भाई, मैं तो कहता हूँ कि हमें अल्पा भाभी को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ। ताकि मन में कोई खटका ना रह जाए। अरे मोहन। अरे आओ बैठो मोहन, बैठो मोहन। अरे मोहनिया, वृंदा कैसा रहा तुम दोनों का साथ साथ पहला दिन ऑफिस में? और हाँ, लेबर का इंतजाम हुआ या नहीं? हाँ,